नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। दोस्तों, सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब मिलेंगे 50,000 रुपये। दोस्तों, कई पहले क्या था कि केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई थी, लेकिन उसके बाद अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस राशि को 50,000 रुपये कर दिया गया है। आपको कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल के साथ देने वाले हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज के उस अपडेट पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सहारा समूह के जमाकर्ताओं को मिलेंगे 50,000। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाई। सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए करीब 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ने से अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार पिछले 19 मई को सेबी सहारा रिफंड खाते में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्टर CRCS को हस्तांतरित किए गए थे। डिजिटल माध्यम से धन वितरण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सहारा निवेशक हैं इनको अब 10,000 के बजाय अब 50,000 रुपये इनको मिले, धन वापसी मिलेगी। 4 सहकारी समितियों का पैसा होगा वापस। दोस्तों, कौन कौन सी सहकारी समितियाँ जिनका पैसा वापस होगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सहारा की 4 सहकारी समितियों में ही निवेश करने वालों का पैसा लौटाया जाएगा। इसमें सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यानी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्ट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल हैं। यदि आपने इन चारों में से किसी एक सोसाइटी में दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग की रकम फंसी है। इसमें ज़्यादातर निवेशक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिफंड पोर्टल पर करना होगा आवेदन। दोस्तों, आवेदन कैसे आपको रिफंड होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका जो पोर्टल दिया गया है उस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की ही स्वीकार किया जाएगा, किसी दूसरे माध्यम से नहीं। आवेदन खारिज हो जाएगा। पैसा वापस पाने के लिए बचत खाता नंबर, आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की ज़रूरत होगी। यानी दोस्तों, आप जब पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे तो दोस्तों आपको आवेदन करते समय आपको अपना बैंक खाता, बचत खाता और आधार नंबर से लिंक एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और डिपॉजिट सर्टिफिकेट यानी जो आपके पास रसीद हैं सहारा की दोस्तों वो आपको अपलोड करनी होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। मंत्रालय के टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पर आप किसी भी सवाल के लिए फ़ोन किया जा सकता है। नंबर आप नोट करें, 1800103-6891। और दूसरा यहाँ पर एक नंबर और दिया गया है, 1800103-6893। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके इसको दोस्तों नंबर नोट कर लें। आप इसके कभी भी इस पर बात करके अपने सवाल के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।